चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है उसके बारे में। आप सभी को नमस्कार। स्टडी यूट्यूब चैनल के लिए त्रिकोण स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिट एग्ज़ाम से संबंधित जो सेकंड टॉपिक आज हमारा वो है सिंधु सभ्यता की काल अवधि। सिंधु सभ्यता की काल अवधि की बात करें उससे पहले हम एक बात बताएं कि बहुत सारे विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के ऊपर बहुत रिसर्च करते हुए इसकी बहुत अलग अलग अवधियों के बारे में बताया है। जैसे बात करें जॉन मार्शल, जॉन मार्शल का नाम आपने सुना ही है। जॉन मार्शल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? जॉन मार्शल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये वो व्यक्ति हैं जिनके कहने पर आरबीडी मतलब कि आरबीडी साहब जो हैं, आरबीडी सहानी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के स्थल की खोज की थी। इन्होंने बोला है कि सिंधु सभ्यता का जो कालखंड है वो कालखंड है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक, 2750 ईसा पूर्व। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है सी जे गैड। उनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की अवधि है वो बताई है उन्होंने 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। समझ रहे हैं आप? इसमें एक और हमारे भारतीय जो पुरातत्व हैं जिनका नाम है माधव स्वरूप, पूरा नाम है इनका माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने भी सिंधु सभ्यता की काल अवधि के बारे में अपने विचार रखे हैं। और इनके अनुसार सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक, 2700 ईसा पूर्व तक। अब आप देखिए कि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता की अवधि बताई है। इनके अलावा भी कुछ विद्वान हैं, जैसे बात करें हम एक और विद्वान हैं, उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। उन्होंने बताई है इसकी काल अवधि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। इसके अलावा फेयर सर्विस भी एक विद्वान, उन्होंने भी 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड बताया है। एक और विद्वान है अनेस्ट कैमैके। अगर हम इन सभी के द्वारा बताई गई काल अवधि पर गौर करें तो हम पाते हैं कि इनमें से कोई भी एक मान्य विधि नहीं है। तो फिर सिंधु सभ्यता के लिए सबसे मान्य विधि होगी क्या? C14 क्या है? ये एक रेडियो कार्बन पद्धति है जिसे C14 पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये एक विश्लेषण पद्धति है। इसके अनुसार सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वो कितनी है? C14 के अनुसार इसकी काल अवधि बताई गई है C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और ये बताने वाले कौन है भाई? ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इन्होंने, ये बताने वाले जिस व्यक्ति का नाम है, जो उनका कहना है कि C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इन्हें बताने वाले हैं DP अग्रवाल। ये नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सिंधु सभ्यता की मान्य विधि कौन सी है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल अवधि कितनी है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। हमें यही याद रखना है, सिंधु सभ्यता की जो ये अवधि है यही सर्वाधिक मान्य है। और दोस्तों आपको एक मैं बात बताऊं, जितने भी विद्वानों ने इसके काल अवधि बताई है
अगर हम सब उसका एवरेज निकालेंगे ना, वो एवरेज भी लगभग इसके आसपास ही आता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आज हमने जाना कि सिंधु सभ्यता की जो काल अवधि है वो कितनी है और उसे बताने वाले कौन है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम अगले टॉपिक में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।